आपके गांव में एनएम सेंटर है? हाँ, हमारे घर के सामने है। ये बताइए, आपके घर के सामने तो कितने दिन से ये बंद है? 6 महीने से। हमको दिक्कत बहुत हो रही है यहाँ, ना तो टीकाकरण की सुइयाँ लगती हैं और ना और कुछ भी होता है। तो आपको क्या समस्या हो रहा है? समस्या होता है यह साहब कि ग्लूकोज चढ़त है, प्राइवेट डॉक्टर आवत हैं, पैसा दे पड़त है, यह क्यों वैसा हुआ तो ये नम तो इलाज बढ़िया से हुआ। मैं जब प्रधान हुआ उसके बाद हमारे यहाँ डुमरियागंज में एक मीटिंग थी इन लोगों की, तो उस मीटिंग में मैं गया, वहाँ लोगों से बात किया तो उनने कहा आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे एप्लीकेशन दीजिए नियुक्ति के लिए, तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया है। सिद्धार्थ नगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के हिसामुद्दीनपुर गाँव में पिछले 6 माह से एनएम की नियुक्ति ना होने से टीकाकरण नहीं हो पा रहा था, जिस पर हमने 5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक व संगठित कर काफ़ी प्रयासों के बाद मैं बदलाव ला पाया। यहाँ पर कोई एनएम नहीं थी। कितने दिनों से? 6-7 महीने से। समस्या हल करने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया? हम लोगों ने मीटिंग बनाया, वीडियो कैमरा किया गया, एप्लीकेशन लिखा गया। एप्लीकेशन आपने किसको दिया? प्रधान को। हाँ, उनने एप्लीकेशन हमको दिया है, उसमें जैसे हमारे यहाँ एनएम नियुक्ति नहीं है, हम उसके लिए इसको ले जाके सीएमओ को दे देंगे और उनसे जल्द से जल्द नियुक्ति करने के प्रयास करेंगे। अभी ये बदलाव आया कि पूरे गांव में सभी लोगों को टीका लगाया गया, सबकी परेशानियां दूर हो गई। हम वीडियो वॉलंटियर और प्रधान जी के माध्यम से यहाँ पर बदलाव आया है और हमारे अधीक्षक साहब मतलब जिले पे गए, वहाँ पर बातचीत हुई और उन्होंने हमको यहाँ पे एनएम के पद पे अभी तक कार्य के रूप में पोस्ट किया। वीडियो वॉलंटियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद है भाई कि जो हमारे यहाँ आए, लोगों को जागरूक किए, इसी तरीके से इनका सहयोग रहा, लोगों को तो और लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो वॉलंटियर्स के तरफ से ऐसी सामाजिक समस्याओं को उठाता रहूँ ताकि उनका समाधान हो सके। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडियन हर्ड के लिए।